भाजपा व भाजपा नेताओं पर झूठे आरोप लगाने के विरोध में प्रदेश भर में जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया है। इस प्रदर्शन पर भाजपा नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर है कहने एवं राफेल मामले में झूठे आरोप लगाने के विरोध में कांग्रेसी के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ देश स्तर पर धरना देकर विरोध जताया जा रहा है। इस दौरान सोनिया गांधी एवं राहुल गांधी से सार्वजनिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मीडिया के सामने माफी मांगने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा राफेल खरीद मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को क्लीन चिट दी गई है। यहां हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी समय समय पर एवं चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर राफेल मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है, जो अब न्यायालय में भी झूठे साबित हो गए हैं, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में करनाल के कमेटी चौक पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना देकर विरोध जताया गया एवं कांग्रेस के नेताओं से माफी मांगने की उम्मीद जताई गई। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया, जिला अध्यक्ष जगमोहन आनंद, करनाल के मेयर रेणुबाला गुप्ता, अशोक सुखीजा, शशिपाल मेहता, विधायक हरविंदर कल्याण, पूर्व विधायक सरदार बख्शीश सिंह, भगवान दास कबीरपंथी, राजवीर सिंह, पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता, ओम प्रकाश अरोड़ा के अलावा बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिस तरह से पिछले काफी समय से हमारे देश के विपक्ष के नेता कांग्रेस के राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने जिस तरह से राफेल के मामले में पूरी तरह से चिल्ला चिल्ला कर इस देश को और इस देश की छवि को पूरे विश्व में बदनाम करने का और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जिस तरह से इस मामले में बदनाम करने की कोशिश की है, साथियों आज सभी कार्यकर्ताओं में रोष है कि जिस तरह से अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और इस मामले में क्लीन चिट दी है, इसलिए साथियों पूरा देश और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथी चाहते हैं कि राहुल जी और सोनिया जी देश के सामने माफी मांगे, क्योंकि साथियों पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जो काम किया है वो देश हित के लिए काम के बारे में आरोप लगाया सी, तो साड़ी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस राफेल मामले नू रद्द कर दिया होया, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नू उस क्लीन चिट देने दे बाद अज असी इस गल का राहुल गांधी का विरोध कर रहे हाँ कि अज उन्होंने देश की 130 करोड़ जनता के सामने खड़ा होकर लोग सभा के माफी मंगनी चाहिए है, तो अगों वास्ते उन्होंने शिक्षा लेनी चाहिए है कि यह जी चचिया गल् नहीं करनिया चाहिए। जरा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने इस 72 साल के पिछले अरसे जिन्हिया भी अपनी मैनूफेस्टो जोड़ा इन्होंने घोषणा की सी वो तो तकरीबन सारे ही लागू कर दिते ने। यहाँ धरने के ऊपर बैठे हैं आज पूरे देश के सामने कांग्रेस पार्टी के उस झूठ का पर्दाफाश हुआ है जो उन्होंने राफेल मामले के ऊपर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ गलत बयानबाजी करके देश को गुमराह करने की कोशिश की थी। मैं आज ये बात जरूर कहना चाहूँगा कि चाहे विपक्ष में रहते हुए या सरकार में रहते हुए जिनके अंदर जिम्मेवारी का भाव नहीं होता वो इसी तरीके से गैर जिम्मेवारी हर रोल के अंदर करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय तक सरकार में रहते हुए भी इसी तरीके से गैर जिम्मेवारी के साथ देश को नेतृत्व दिया। उन्होंने केवल जनता जानती है कि भारत के गौरव की रक्षा, भारत के सम्मान की रक्षा कहीं हुई है तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के इस कार्यकाल के दौरान हुई है। आज विश्व भी मानता है कि भारत की प्राचीन पद्धति और भारत के हर तरह से सर्वोपरि मानता है। आज जब भारत आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस के इस तरह के पदाधिकारी और कांग्रेस के कार्यकर्ता देश की जनता को गुमराह करते हुए उन्हें राफेल के नाम पर कभी कभी उन्होंने देश में हमारे गौरव के नाम पर जो
हमारे सैनिकों के पक्ष में जो गलत बातें कही हैं उनके लिए सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो सार्वजनिक तौर पे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई जी से मोदी जी से माफ़ी मांगे। उन्होंने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय लिया और एक बहुत ही निष्पक्ष होकर एक निर्णय दिया कि राहुल गांधी जी ने सब बातें गलत कही हैं, उन्हें कोर्ट में तो माफ़ी मांगी ही और कार्यकर्ताओं की भावना है कि वो सार्वजनिक तौर पे भी कांग्रेस पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी से माफ़ी मांगे। और आज का ये धरना प्रदर्शन सभी कार्यकर्ताओं ने इसी भावना से किया है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन कर। आज मैंने बड़े विस्तार से अपनी बात जो मैंने मंच पर भी रखी, माइक पर रखी, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम हर बार सोचते हैं कि कितना गैर जिम्मेदार विपक्ष है और कितने गैर जिम्मेदार कांग्रेस के राहुल गांधी हैं कि बार बार सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहने कि इतनी पारदर्शिता इस जो सौदे के अंदर रखी गई शायद आज से पहले कभी किसी रिक्शा सौदे में रखी गई हो, और पुनर्विचार याचिकाओं को भी कड़ी फटकार लगाते हुए उच्चतम न्यायालय ने उनको कहा कि बार बार ऐसी बेतुकी बातें और झूठी बातें आप कोर्ट के सामने मत रखिए। लेकिन ये लोग बार बार देश की जनता को गुमराह करते रहे, अब देश की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली, क्योंकि ये मुद्दा देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। देश की सुरक्षा को विपक्ष इतने हल्के से लेगा, ऐसा हम उनको आगाह करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता कभी देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को माफ़ नहीं करती। इसलिए हम आज इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए देश पहले है, सरकार या पार्टी उसके बाद में है। जब याचिका खारिज की गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने 9 सवाल रखे और उन्होंने कहा कि जेपीसी से इसकी जांच की जानी चाहिए। अरे मैं कहता हूँ रणदीप सुरजेवाला जी का तो मुझे थोड़ा सा उन पर सहानुभूति भी है, अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने वाले, पहले जींद का चुनाव हारे, अब अपने ही क्षेत्र से कैथल से चुनाव हारे, मैं उनकी मानसिक स्थिति समझ सकता हूं कि अभी बैलेंस ऑफ माइंड उनके लिए बनाना थोड़े समय के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन पार्टी ने उनको राष्ट्रीय राहुल गांधी जी का बिल्कुल राइट हैंड बनाकर, और जैसे विचार राहुल गांधी जी के होंगे वैसे ही रणदीप सुरजेवाला के होंगे, वो 9 सवाल क्या 19 सवाल वो कोर्ट के सामने रख चुके हैं और कोर्ट ने बिल्कुल हर तरीके से सरकार से पूछकर उनको जवाब दे दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आज वो किसी प्रकार का एक प्रश्न करने भी उनको करना चाहिए। एक चीज, सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी ने इस पे माफीनामा मांगा गया, चौकीदार चोर है जो मीनाक्षी लेखी ने याचिका डाली थी, आपको लगता है कि इस मामले पर, राफेल मामले पर वो माफी मांगेंगे? मांगने ही चाहिए उनको, लेकिन मैं तो कई बार अपने संबोधन में बोल चुका हूँ, हम हर बार कहते हैं कुछ शर्म करो, आप तो उन सपोर्ट करते हैं उन लोगों को जो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होने का सपना देखते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, अफजल गुरु के लिए सपोर्ट करते हैं, धारा 370 को सपोर्ट करते हैं, उनका तो बस चले जो देश विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो चाइना, उनके साथ गुपचुप बैठ के बातें करते हैं। ऐसे लोग मैं समझता हूँ कि उनकी सोच का पतन एक सत्ता के लिए कितना हो चुका है उनके ऊपर तरस आता है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और जानकारी ये थी कि जेजेपी की तरफ से राम कुमार गौतम और बबली जो एमएलए हैं उनको मंत्री बनाया जाना था, चाहिए था, मतलब चाह रही थी जेजेपी पार्टी दुष्यंत चौटाला, लेकिन सुभाष बराल और कैप्टन अभिमन्यु द्वारा जो विरोध किया गया कि दोनों नहीं, मैं और इसलिए इनको मंत्रिमंडल ना दिया। मैं आपको किसी जेजेपी के अच्छे नेता का नंबर दे देता हूँ, ये बात आप उनसे फ़ोन पे पूछ लेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि जेपी की जेपी अपनी एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, उनके विद इन पार्टी क्या फैसले होते हैं उसका निर्णय उनके जो नेता हैं वही करते हैं, वो जानकारी अच्छे से आपको दे पाएंगे। जहाँ तक मेरी आपको बात बता दूँ, इसमें हमारे अध्यक्ष जी हों या कोई और नेता हों, उनका उन्होंने किसको मंत्री बनाना किसको नहीं बनाना उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस और दखल नहीं। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज, राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।